व्यूअर्स, दिस इज़ अरसलान अहमद, सेल्स एग्जीक्यूटिव नाइस पावर सोलर एनर्जी। आज हम गुलरेज 2 के अंदर, फेज़ 2 के अंदर 8 किलोवाट का सिस्टम, जिसके अंदर लिथियम आयन बैटरीज नराडा की हमने यूज़ की हैं, और आप देख सकते हैं मेरे बैकग्राउंड में इनवरेक्स का मस्टैंग 570 वाट का एन टाइप के अंदर हमने पैनल यूज़ किया है, जिसके अंदर हमने 14 पैनल यूज़ किए हैं। ठीक है, ये क्या कुछ चला सकता है, ये आपका 8 किलोवाट का सिस्टम, और इनकी क्या लाइफ है, और पैनल्स की कितनी वारंटी है, और इसी तरह हमने इसके साथ कौन से ब्रांड का इन्वर्टर यूज़ किया है, और क्या उसकी कैपेसिटी है, आप कितना लोड चला सकते हैं। 2023 के अंदर सबसे ज़्यादा एफिशिएंसी वाला पैनल जो इनवरेक्स के अंदर और जिनको के अंदर है, जो कि हमने यहाँ पर इनवरेक्स का पैनल यूज़ किया है एन टाइप के अंदर। ठीक है, तो ये आप मेरे बैकग्राउंड में देख सकते हैं कि हमने इनवरेक्स के मस्टैंग 570 वाट के 14 पैनल यूज़ किए हैं, जिनकी कैपेसिटी 8 किलोवाट की कैपेसिटी बनती है, जो कि आपके 4 एसी आराम से डे टाइम में आप अपना लोड चला सकते हैं। जिसके साथ हमने, आप फ्रेम हमारा देख सकते हैं कि हाई क्वालिटी का फ्रेम हमारा डिज़ाइन हुआ हुआ है, जिसके अंदर हमने जो गार्डर यूज़ किए, हम सुपर इतिहाद और मुगल का गार्डर यूज़ करते हैं। इसी के अंदर आप सी चैनल की क्वालिटी देख सकते हैं कि हमने हैवी सी चैनल यूज़ किया हुआ है, और प्लस इसके अंदर हमारी आप केबलिंग, हमारे काम की क्वालिटी, हमारे काम का जो मेयार है वो आप देख सकते हैं इस वीडियो के अंदर। ये हमारा जो स्ट्रक्चर बना हुआ है 14 पैनल्स का बना हुआ है, और आप देख सकते हैं कि ये प्रॉपर एक डिज़ाइन किया गया है। तो हमने यहाँ पर फ्रेम डिज़ाइन किया है, उसकी क्वालिटी के बारे में आपको बताएँगे कि आपका ये फ्रेम 30 से 40 साल तक यहाँ से हिलने वाला नहीं है। ठीक है, इसकी रीज़न ये है कि हमने जो इसका गार्डर यहाँ पे यूज़ किया है वो मुगल का गार्डर यूज़ किया है, इसी तरह इसके साथ हमने सुपर इतिहाद का गार्डर भी हम यूज़ करते हैं। और आप ये पाइप देख सकते हैं कि हैवी 14 गेज के अंदर हमने इसका पाइप यूज़ किया है, और इसी के साथ जो हमने सी चैनल इसके अंदर यूज़ किया है वो 16 गेज के अंदर है। तो ये आपका जो फ्रेम यहाँ पे डिज़ाइन हुआ हुआ है, इंशाल्लाह ये आपका 30 से 40 साल तक कहीं नहीं हिलने वाला, और प्रॉपर आप देख रहे हैं कि पेंट हुआ हुआ है। इसी के साथ आप हमारे काम को देख सकते हैं कि जो हमने पैनल टू पैनल वायरिंग की है हमने, इसके अंदर आप बिल्कुल, आपकी वायरिंग बिल्कुल नज़र नहीं आ रही, जस्ट जो पैनल की एक्स्ट्रा तार है वो आपको यहाँ पे नज़र आ रही है, उसके अलावा जो मज़ीद जो इसके अंदर हमने वायरिंग की है वो आपको पूरे स्ट्रक्चर के अंदर बिल्कुल भी नज़र नहीं आएगी। ठीक है, तो ये आप हमारी क्वालिटी ऑफ वर्क देख सकते हैं कि हमारा काम किस तरीके से और किस नफासत से किया जाता है। इसके अंदर देख सकते हैं कि हमने जो इसके अंदर लिथियम आयन बैटरी यूज़ की है वो नराडा के अंदर 48 वोल्ट के अंदर और 100 एम्पेयर के अंदर हमने बैटरी यूज़ की है, जो कि यहाँ पे हमने पैरेलल में इंस्टॉल की है। बेसिकली इनको यहाँ पे बैकअप ज़्यादा चाहिए था, जिस सूरत में हमने ये दो बैटरी यूज़ की है यहाँ पे, और इसी के साथ हमने इनवरेक्स का नाइट्रॉक्स 8 किलोवाट के अंदर यूज़ की है, जो कि आपके 4 एसी डे टन के प्लस आपके फैंस प्लस लाइट्स प्लस रेफ्रिजरेटर एंड आपकी वाटर बोर्ड की मोटर ये ईज़िली चला सकते हैं। ठीक है, इसकी जो कैपेसिटी है, जो आप अगर हम इसके फ़ीचर्स के ऊपर जाते हैं, तो नाइट्रॉक्स के जो मेन फ़ीचर है वो ये है कि यह स्मार्ट लोड का काम करता है, जिसके अंदर आपकी इसकी डुअल आउटपुट के अंदर है, जिसके ऊपर आप छोटा लोड भी डाल सकते हैं और बड़ा लोड भी डाल सकते हैं। मीन्स के एक आउटपुट के ऊपर आप हैवी लोड डालते हैं, जिसमें आपके एसी हो गए और आपका जो बड़ा लोड घर के अंदर यूज़ हो रहा है, और इसी तरह अगर आपको दूसरी जो इसकी आउटपुट है उसके ऊपर आप छोटा लोड डालते हैं। इसके अंदर फ़ायदा आपको ये होगा कि जो आपकी जब बिजली जाएगी, जब आपका सिस्टम चल रहा होगा, तो जो आपका बड़ा लोड होगा वो बंद हो जाएगा, और जो छोटा लोड होगा वो आपका बैटरी इस पर चलता रहेगा। तो इस तरह आपको लॉन्ग बैकअप मिलेगा, और ये स्मार्ट लोड का काम करता है। इसी तरह स्मार्ट लोड के साथ ये नेट मीटरिंग का भी इसके अंदर ऑप्शन मौजूद है, इसी तरह इसके अंदर पैरेलल का भी ऑप्शन मौजूद है, और ये IP65 के अंदर है। आप देख सकते हैं इस वीडियो के अंदर, ये आपको वीडियो में दिखाया जा रहा होगा कि इसके बैक पे जो है हीट सिंक इंस्टॉल्ड है, और ये आपका IP65 के अंदर है। मींस कि इसके अंदर नमी, इसके अंदर बारिश, इसके अंदर इसी से प्रोटेक्शन है इसके अंदर। ठीक है, और ये आपका पैरेलल का भी ऑप्शन मौजूद है, अगर आप इसी के साथ अगर 8 किलोवाट को अगर आप अपग्रेड करना चाहते हैं, कल को आपका अगर प्लान बनता है आप मज़ीद लोड को बढ़ाना चाहते हैं, तो इसी के साथ आप 8 किलोवाट का एक और इंस्टॉल करके और प्लस इसके साथ पैनल्स ऐड करके, तो आप इसको 16 किलोवाट तक अपग्रेड कर सकते हैं। अप टू इसको मज़ीद भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपकी रिक्वायरमेंट 16 है तो आप इसके साथ एक और 8 किलोवाट का इंस्टॉल करके आप इसके ऊपर अपना घर का लोड चला सकते हैं। इसी तरह हमारा आप डीपी बॉक्स की क्वालिटी देख सकते हैं, हमारी ये इम्पोर्ट अपनी डायरेक्ट चाइना से इम्पोर्ट है, और हमारा जो डीपी बॉक्स की क्वालिटी है आपको पिक्चर के अंदर नज़र आ रही होगी, और इसी तरह इसकी आप फिनिशिंग देख सकते हैं ब्रेकर्स की, के प्रॉपर ये क्लाइंट को ये अलहदा अलहदा चीज़ों के अंदर मेंशन किया गया है कि ये ब्रेकर किस चीज़ के है, ये किस चीज़ के है, चेंज ओवर आपने कैसे कब यूज़ करना है, डीसी ब्रेकर कब आपने यूज़ करना है, एसी ब्रेकर कब यूज़ करना है,
इसके अंदर प्रॉपर हर चीज़ की प्रोटेक्शन के साथ ये आपका इन्वर्टर यहाँ पे इंस्टॉल किया गया है, ठीक है। इसी तरह आप बेगर की क्वालिटी, डीपी बॉक्स की क्वालिटी को भी देख सकते हैं, और ये हमने यहाँ पे लिथियम आयन बैटरीज के साथ यूज़ किए हैं लॉन्ग बैकअप के लिए। आप देख सकते हैं कि जो हमने पैनल यहाँ पे यूज़ किया है इन्वरेक्स का यूज़ किया है, उसकी रीज़न ये है कि ये एक एन टाइप के अंदर पैनल है और इसकी एफिशिएंसी 22 समथिंग इसकी एफिशिएंसी है, और 12 साल की इसकी प्रोडक्ट कंपनी की वारंटी है। आपका इसका जो सर्विस सेंटर है पाकिस्तान में इन्वरेक्स सोलर एनर्जी के 28 से 30 सर्विस सेंटर हैं, आप कहीं से भी इसको क्लेम करवा सकते हैं। इसी के साथ हम आपको बताते चलें कि जो इसकी 25 साल की लीनियर प्रोडक्ट वारंटी है ऑन 80% आउटपुट एफिशिएंसी के ऊपर, ठीक है। तो ये सिस्टम इंस्टॉल करने के लिए आप हमसे रابطہ करें, हमारे नीचे दिए गए नंबर्स पर रابطہ करें। आप हमारे काम की क्वालिटी को देख रहे हैं इस वीडियो के अंदर, तो मज़ीद हमारी वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मज़ीद आपको अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमारे दिए गए नंबर्स पर रابطہ करें, इंशाल्लाह आपको कोटेशन भेज दी जाएगी। इसी तरह अगर आप हमारे सिस्टम के रिक्वायरमेंट के लिए आप हमारे ऑफिस विज़िट करना चाहते हैं तो हमारे DAV कॉलेज रोड एंड सदर में रावलपिंडी में हमारा ऑफिस लोकेटेड है, आप वहाँ पे विज़िट कर सकते हैं। वहाँ